हेलो गाइस, चलिए बनाते हैं आज झारखंड का फेमस धोसका पीठा और उसके साथ में चना दाल तो नहीं, साबुत चना और आलू की सब्जी। ये देखिए फुला फुला सा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा गाइस, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं झारखंड का फेमस धोसका पीठा। उसके लिए हम एक कप हम अरुआ चावल ले लिए हैं, आधा कप हम चना दाल लिए हैं और 1/4 कप हम बिरी दाल को लिए। इसको बढ़िया से अभी वॉश करके इसको 3 घंटा के लिए भिगो देंगे, फिर इसको ग्राइंडिंग करके आपको दिखाएंगे गाइस। देखिए गाइस, चावल दाल जो भिगा के रखे थे और उड़द दाल को, वो बढ़िया से भीग चुका है। अब इसको ग्राइंडिंग कर देते हैं। मिक्सी जार लिए हुए हैं, इसमें हम ले लेते हैं आधा ही लेंगे, 2 बार करके हम पीसेंगे इसको। और इसमें हम 1/2 इंच अदरक और 5-6 कलियां लहसुन ले लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। 4 हरी मिर्च को डाल देते हैं इसी में, और 1 टीस्पून हम जीरा को डाल देते हैं। अब इसका हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे गाइस। ये देखिए गाइस, पूरा स्मूथ पेस्ट बनाए हैं। देखिए कोई दानादार नहीं, पूरा एकदम प्लेन जिसको बोलते हैं, एकदम फाइन वाला पेस्ट बना लिए। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और जो बाकी बचा है उसको भी पीस लेते हैं। बाकी को भी डाल के हम स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं गाइस। चलिए इसको भी पीस के आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, नेक्स्ट बेच को भी हम बढ़िया सा प्लेन से पीस लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं इसमें। अब इसको फर्मेंट होने के लिए हम 3 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। धोसका पीठा का साथ में खाने वाली सब्जी भी बना लेते हैं गाइस। ये देखिए, हम चना को भिगो के रखे थे, इसमें थोड़ा थोड़ा अंकुरित भी हो चुका है, और एक आलू को हम पील करके अच्छा से साफ करके ले लिए हैं। इधर हम प्रेशर कुकर को बैठा चुके हैं, उसमें हम 1 गिलास पानी दे दिए हैं। अब इसमें आलू और चना को 3 सीटी लगा लेते हैं पहले, फिर आपको बॉईल होने के बाद दिखाते हैं। प्रेशर कुकर ठंडा होते होते ऑयल को डाल देते हैं पहले। हम इसमें 2 टेबल चम्मच ऑयल ले लिए। अब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा को डाल देते हैं। जीरा चटक जाए तो फिर इसमें हम एक स्लाइस किया हुआ बड़ा सा प्याज काट के रखे हैं उसको डाल देते हैं। इसको थोड़ा भून लेते हैं। इसमें 4 हरी मिर्च को डाल देते हैं, चीरा लगाए हुए हैं इसमें, इसको भी इसके साथ में भून लेते हैं। प्याज बढ़िया से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम कटा हुआ करी लीव्स को डाल देते हैं, और साथ में टमाटर भी काट के रखे थे 1 हम इसको डाल देते हैं। अब इसको और 1 टीस्पून हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट को डाल देते हैं। इसको भी इसी के साथ बढ़िया से भून लेते हैं। अब इसमें हम सारे सूखा मसाला को डाल देते हैं,
एक टीस्पून हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर, एक टीस्पून हम हल्दी पाउडर को डाल दिए, एक टीस्पून हम भर के धनिया पाउडर को डाल दिए, हाफ टी स्पून हम जीरा पाउडर को डाल दिए। अब इसको बढ़िया से मिला के इसी के साथ भून लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, बढ़िया से मसाला का मसाला को भून सके। ये देखिए गाइस, चना और आलू मेरा बढ़िया से बॉईल हो चुका है। ये देखिए, अब इसको हम पानी के साथ में ही मसाला में डाल देते हैं। इसको बढ़िया से उबाल आने देते हैं, आलू को थोड़ा सा क्रश कर देंगे ताकि तरी जो है थोड़ा ठीक हो जाए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं, हम थोड़ा सा ही डाले क्योंकि पहले भी हम नमक को डाले थे जब हम काला चना और आलू को प्रेशर कुक किए थे, इसलिए हम थोड़ा से ही डाले नमक। आप भी चेक करने के बाद ही डालिएगा गाइस नमक। अब इसमें हम हाफ टी स्पून गरम मसाला को डाल देते हैं और थोड़ा सा फ्रेश धनिया को डाल देते हैं। बस बन चुका है मेरा चना आलू का सब्जी। अब गैस को ऑफ करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। देखिए गाइस, बढ़िया से फर्मेंट हो चुका है उसका पीठा का डो जो है हम करके रखे थे, बैटर जो है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक को डाल देते हैं और थोड़ा सा हल्दी दे देते हैं, बाद बाकी तो जीरा उरा हम तो सब इसी में पीस लिए थे, हल्दी थोड़ा डाल देते हैं और कुछ हरी धनिया को डाल देते हैं। थोड़ा सा हींग को डाल देते हैं एक चुटकी भर। अब इसको बढ़िया से मिला लेते हैं। आप चाहें तो इसमें साबुत जीरा भी डाल सकते हैं पर हम इसमें पीसी लिए हैं जीरा को, इसलिए और नहीं डालें। बैटर को आप इतने ही ठीक रखिएगा। अब हम कढ़ाई बैठा चुके हैं, तेल गर्म हो चुका है, एक अच्छी भर हम बैटर ले लिए हैं। अब भी इसी तरह ही डालिएगा, ठीक बीच में ही सारे बैटर को डालिएगा ताकि वो एक पूरी का सेट ले सके। ये देखिए कितना सुंदर फूल जा रहा है। इसका ऊपर में थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहिए ताकि ऊपर वाला हिस्सा भी बढ़िया से कुक हो जाए। ये देखिए दोनों साइड मेरा बढ़िया से हो चुका है। आप भी इसी तरह से बनाइएगा गाइस। और एक बना के दिखाते हैं, इसको पहले निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, एक करछी भर के लीजिएगा और ऐसे ही डालिएगा। और इसको निकाल देते हैं। इसी तरह आप सारे को बना लीजिएगा गाइस। देखिए गाइस, प्लेटिंग हो चुका है हमारा जो है झारखंड का फेमस धोसका पीठा और उसके साथ में आलू चना का सब्जी। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा गाइस और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ गाइस।